कुछ ग्रामीणों का कहना था कि राशन कार्ड बनाने में घूस लिया जाता है। इस पर वीडियो ने लोगों को दिए निर्देश। लोगों के द्वारा हमें भी शिकायत मिली है कि उनको यह कह दिया जा रहा है कि आपको 500 हज़ार या 2000 रुपया तक खर्च लगेगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आपका अधिकार है और आप इसको ऑनलाइन कराएं, और यदि कहीं पर कोई घूस मांगे आपसे तो इसको सीधा सीधा आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानकारी में दें। किसी भी व्यक्ति को आपको कहीं भी राशन कार्ड बनाने में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कर्पूरी ठाकुर ने लोगों को बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी को 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप डायरेक्ट हमसे आकर अपनी बात रख सकते हैं। आगे उन्होंने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर कहा कि ये उन लोगों के लिए है जो भी व्यक्ति गरीब है, जिनकी आमदनी कम है, जिनका मासिक वेतन 10,000 से कम है, उनको सरकार इस तरह की लाभ दे रही है। जो भी व्यक्ति गरीब है, जिनकी भी आमदनी कम है, 10,000 से नीचे जिनकी आमदनी है, उनको इस तरह का लाभ सरकार दे रही है। वर्तमान समय में ऑनलाइन कराने के लिए आपको आय, आवासीय, और यदि आप पिछड़ी जाति में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावे एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म में आपको फोटो और गार्जियन जो है उनका अकाउंट नंबर भी देना होता है, और सभी जितने भी कर्मी उसके साथ परिवार के सदस्य हैं उनका आधार देना जरूरी है। वर्तमान समय में इसको कराने के लिए आवश्यक है आय, आवासीय, और अगर आप पिछड़ी जाति में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक फॉर्म मिलता है, इस पर फोटो और सबका आधार कार्ड तथा गार्जियन जो होते हैं उनका अकाउंट नंबर भी देना होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग जांच करवाते हैं पंचायत सचिव से, जांचों उपरांत हम लोग इसको अनुमंडल भेज देते हैं, वहां पर इसकी अगली प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सर, इसके बाद ही क्या प्रक्रिया? इसके बाद जैसे ही अगर वो आवेदन प्राप्त होता है तो फिर हम लोग उसको जाँच करवाते हैं विकास मित्र और पंचायत सचिव से, और इसके बाद फिर जांचों उपरांत हम उसको वहाँ अनुमंडल कार्यालय भेज देते हैं, वहाँ पर इसकी अगली प्रक्रिया पूरी।